गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन प्रज्ञा एकेडमी। प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट, मैं हेमंत शर्मा और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक। नाइन्थ क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट टेन, और काफ़ी दिनों से हमारा वो टॉपिक चल रहा था टेन, जो हमारा कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है, और उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, किस प्रकार के एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का जो नाम है वो ही हमें बता रहा है कि क्या टॉपिक है, किससे रिलेटेड है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या होना, एग्री होना, अर्थात सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार वर्ब का एग्री होना, वर्ब का सही रूप में आना, वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्लियर, अर्थात कि ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस जिसमें जो सब्जेक्ट है उसका जो नंबर है, नंबर मतलब प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है, कौन सा पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है वर्ब आए, वो टॉपिक कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम कैसे। जैसे मेरे काम में टेंसी पड़ी है, टेंस में वो चीज मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, आपका काम है कि राहुल प्लीज क्रिकेट, ये सेंटेंस अपना एक। और सेकंड सेंटेंस लिखता हूं मैं, दे प्ले क्रिकेट। क्लियर, कि राहुल प्लेज क्रिकेट, और एक लिखा हूं मैं दे प्ले क्रिकेट। अब डियर स्टूडेंट ये देख रहा है कि दो सेंटेंसेस सेम है। टेंस क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही टेंस के हैं। आपको टेंस पढ़ा दिया, बता सकते कौन सी टेंस है, सिर्फ एस लग रहा है। ठीक है, एस एस लगे तो कौन सी टेंस होती है, जेंट इंडेफिनिट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो कौन सी होती है, जेंट इंडेफिनिट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको इसको बता रहा हूँ। कि यहाँ पर जो राहुल है, ठीक, वर्ब दोनों में प्ले है, क्लियर, दोनों एक ही टेंस की सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिटली। यहाँ पर हमने क्या लगाया, एस लगाया, और यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया भाई, इसने क्या मिस्टेक कर दी, इससे क्या गलती होगी जो उसमें आप एस नहीं लगा रहे। ठीक है, तो वो जो रूल्स है वो ये बताता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा ये है कि सब्जेक्ट जिस नंबर में होगा, जिस पर्सन में होगा, उसके साथ वर्ब भी वही नंबर पर्सन की आनी चाहिए। जैसे संस्कृत हम पढ़ते हैं, संस्कृत में आप पढ़ते हो वह पढ़ता है, वह पढ़ता, उसे संस्कृत बनाते सह पढ़ती, सह पढ़ती। अब सह पढ़ती क्यों लिखा, सह पढ़ंती क्यों नहीं लिखा, सह पटानी क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वहां पर रूल क्या कहता है कि यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी क्या आएगी, द्विवचन की आएगी। संस्कृत का रूल है, वही रूल यहाँ पर हमारा फॉलो करता है स्टूडेंट इंग्लिश में, कि जैसा सब्जेक्ट वैसी क्रिया। क्लियर, अब सब्जेक्ट कहता है यहाँ पर राहु एक वचन, एक वचन है, बहुवचन है, बोलो जी हाँ क्या है, वो एक वचन है। तो राहुल यहाँ पर हमारा क्या है, एक वचन। तो यदि राहुल एक वचन है तो हमारी क्रिया भी कैसी आएगी, एक वचन ही आएगी, सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब यहाँ पर मैं एस को हटा दूँ, क्लियर, अभी और आपको क्लियर हो जाएगा कि एस को हटा दी तो दोनों सेम हो गए। क्लियर, अब ये सेंटेंस चला था क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आनी चाहिए। सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब बहुवचन। क्लियर, तो रूल्स कहता है कि सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, एक वचन आनी
चाहिए। तो ये प्लीज जो वर्ब है ये बहुवचन है भाई साहब। जी हाँ, कि हमारी जो भी वर्ब होती है ये वर्ब अपने सामान्य रूप में किसमें रहती है, प्लुरल फॉर्म में रहती है। इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए, ये बहुवचन में रहती है। किसमें रहती है? बहुवचन में। इसमें हम एक एस आई एस लगा के सिस्टम बना देंगे, एक वचन बना देंगे। तो ये बहुवचन है, करता है एक वचन, वर्ब हमारी हो रही है क्या, बहुवचन। अब इसमें हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, देखिए बनेगी एक वचन, करता है एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। क्लियर? दूसरा है दे, ये बहुवचन है तो वर्ब की पहले से क्या है, बहु वचन है। क्लियर? इसलिए इसमें हम क्या लगाते हैं, बहुवचन लगाते हैं। अर्थात एस ई एस और आई एस लगा करके वर्ब एक वचन बनती है। क्या बनती है? उल्टा होता है, देखो क्लियर हो गया, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते थे एस ई एस आई एस लगाते थे। क्यों लगाते थे? तो वो एस आई एस वैसे नहीं लगाते, वो इसी रूल के अकॉर्डिंग लगाते। क्यों? क्योंकि अब ऐसे नहीं था एक वचन है जैसे लगा दी, अरे ऐसे नहीं, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वह एस ई एस लगाते थे। अब दे के साथ क्यों लगाते थे? क्योंकि दे ऑलरेडी क्या है, बहुवचन है, क्रिया भी क्या है, इसके साथ पहले से बहुवचन आती है, इसलिए उसमें नहीं लगाते। तो उल्टा होता है, उल्टा क्या होता है कि साफ कर देता हूं, तो उल्टा क्या होता है कि जो वर्ब होती है, ध्यान से देखना इसको, वर्ब जो होती है वो अपने सामान्य रूप में प्लुरल में होती है, जिसमें वर्ब की गो। तो ये जो वर्ब है कौन सी फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में है, मतलब बहुवचन में है। इसमें है जो स्टूडेंट बहुवचन में है। अब ये बहुवचन में है तो इसको हम ये सिंगुलर कैसे बनाएंगे? इसमें यदि हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। तो जाएगी सिंगुलर था वर्ब में एस ई एस आई एस लगाने के बाद सिंगुलर हो जाती है। ये तो होगी वर्ब। एक हमारी क्या होती है, नाउन। नाउन क्या होती है, अपने सामान्य रूप में सिंगुलर में रहती है। ये तो अपने सामान्य रूप में किसमें, सिंगुलर में। नाउन जैसे मैं रहती वर्ड, अब वर्ड क्या है, अपने सामान्य रूप किस में रहती है, सिंगुलर में रहती है। किसमें रहती है, सिंगुलर में रहती है। अब इसमें मैं क्या लगा देता हूं, एस लगा दूंगा तो ये बन जाएगा प्लुरल, तो बन जाएगा प्लुरल था। वर्ब में तो एस ई एस लगने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और नाउन में एस ई एस लगने से नाउन क्या बन जाती है, प्लुरल बन जाती है। तो वो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अर्थात जैसा करता उसके अनुसार वैसी ही क्रिया आनी चाहिए, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो इसमें कौन कौन से रूल्स आएंगे, उन सारे रूल्सों को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को मैं। आई होप कि आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट में आपको इसके रूल्स बताऊंगा। थैंक यू।